घरों का वो वाला रेस्टोरेंट है जो बहुत फेमस है अपनी सफाई के लिए और अच्छे खाने की वजह से। पूरे सिंध में सबसे बेहतरीन खाना है ना हाईवे पे, उस होटल में साफ सुथरा भी बहुत 100% पे जाओ, इसे किचन विजिट कर सकते हो। ये दो नंबरी नहीं है इसके। अब रस देखो ना, ये सारी आवाम कराची से स्पेशली खाने आई है, वीकेंड है ना आज, सारे कराची की आवाम स्पेशली खाने के लिए सिर्फ खाने आई है। खाना इतनी दूर 80 किलोमीटर दूर सिर्फ खाना खाने आए, 80 किलोमीटर दूर है कराची से, 80 किलोमीटर वहीं से खाना खाने आए हैं। वीकेंड में लोग आ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी जिनकी ज़मीनें हैं आगे फार्म वगैरह हैं, तो खाना यहाँ लाजमी है, यहाँ रुक के बगैर कोई जाते ही नहीं है। वापसी में भी और जाते नहीं है। मैंने अपने लिए बिरयानी मंगवाई है और सऊद में वाइट चने मंगवाए हैं। बोल रहे थे और मजे से सर्विस देता है। सऊद कैसा लगा खाना? सऊद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। देख रहे हो सारे ठीक कर दिया, पढ़ तो लो, ऐसा ना बुराई भी ठीक कर दिया तुमने, गलत लिखा होगा। देखा ही नहीं, वैल्यू फॉर मनी ये वैल्यू फॉर मनी तो है ना। अच्छा अच्छा में बैठे हुए खाना खा रहे हैं। सऊद गाड़ी ले जाएंगे बोलेंगे, तुम लोग बाहर निकलो, अल्लाह के नाम पे गाड़ी दे दो, ये फैमिली वाले बराबर में देख रहे हैं, बस ऐसे खड़ी हैं, सारे टूरिस्ट बस है, ये यहाँ बैठी हुई अंग्रेज है। कैफे इमरान की पार्किंग है। अब ये देखो, ये दिखाओ ये वीडियो, ये स्ट्रेट जा रहा है ठट्टा। अब हम गारो क्रॉस कर चुके हैं, गारो खत्म हो गया है ऑलमोस्ट ना। ये आ रहा है साकरो, ये खिलाती है कोस्टल हाईवे राइट साइड पे, ये कलाती कौशल हाईवे स्ट्रेट जा रही है, आगे जाके उतरती तकरीबन कोई 50-60 किलोमीटर आगे जाके खत्म हो जाती केटी बंदर पे, जो पाकिस्तान की आखिरी हदूद है, समंदर की आखिरी जजीरा है। उसके बाद फिर कोई 50 किलोमीटर बाद जाके वो आता है इंडिया का बॉर्डर है गुजरात का। अच्छा ये सामने जो पुल बना है सारे दरिया सिंध का वहाँ पे रहा है सारा। अच्छा ब्रिटिश राज थी ना उस दौर की बनी हुई है, और सिंध का पहला डेवलप शहर ये, इसको ठट्टा को सबसे पहले जो आज़ाद किया था वो मुगल एम्पायर ने किया था, और सबसे पहली मस्जिद भी मुगलों ने यहीं बनाई थी उसके बेटे ने सिंध में। अच्छा वो पीछे एक जगह है काफ़ी अंदर जाके, मैं नाम भूल गया उस जगह का, काफ़ी टाइम पहले आया था। और फिर ये ठट्टा डेवलप हुआ, और कायदे आज़म का भी कुछ ताल्लुक है यहाँ से, अल्लाह आलम डिटेल में मुझे नहीं पता, कुछ चीज़ें वगैरह हैं उनकी जहाँ पर रहे। फिर ब्रिटिश राज आ गया हिंदुस्तान में, मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया, तो ब्रिटिश जो राज था उसका भी कुछ असर रुक, काफ़ी असर रुक रहा है, ब्रिज वगैरह काफ़ी डेवलपमेंट उनकी आ रही है। फिर हिंदू थे, काफ़ी हिंदुओं के मंदिर अभी भी मौजूद हैं, जिनकी जो वो है 100-100 साल तो कुछ भी नहीं है बल्कि ज़्यादा ही होगा, 100 साल तो बल्कि अंग्रेज़ों को गए हुआ है। खैर बहुत पुराने मंदिर हैं, पुरानी आबादी है, मिक्स कम्युनिटी है, मेजोरिटी हिंदुओं की है, और उसके बाद जाके भी सिंध में जो डेवलपमेंट जो हुई है ना, ये कराची वगैरह था बहुत बाहर के, इसके काफ़ी बाद के आबाद वाले शहर हैं, बेसिकली कराची भी कोलाची था, ये कोलाची बेसिकली आई थिंक बलोची लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, मछुआरों को या किसी समंदरी किनारे जहाँ पे मछुआरे रहते हैं उस जगह को बलोची जबान में कोलाची कहते हैं। कोलाची हाँ,
माई कोलाची माई कोलाची कोलाची